हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2023 की। बाकी भाई अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी निकलता हूँ मैं खाटू श्याम के लिए। यहाँ पास में एक मोहम्मदाबाद जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है खाटू श्याम का, तो मैं और आदित्य भैया दोनों लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद भाई न्यू ईयर का कुछ और भी प्लान है, तो भाई आएंगे और वो भी करेंगे। तब तक जब तक मैं लोग वहाँ जा रहे हैं, लौट के आएंगे, तब तक घर पर जो भी सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी होंगी, कुछ व्यवस्था मेरे यहाँ पे, कुछ भैया के यहाँ पे। तो भाई फटाफट मैं जाता हूँ, भैया को पिक करता हूँ, बाइक में पेट्रोल डलवाता हूँ और वहाँ के लिए निकलते हैं। तो फटाफट पहले तो भैया को लेना है, तो भैया के पास पहुँचते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। 8 बजे निकलना था, 9:30 हो चुके हैं, तो फटाफट जाते हैं। भैया गुस्सा भी कर रहे हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं भैया के पास और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा। टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा सब। बाकी एक बार फिर से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और भाई ये नई साल सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और बाद में मेरी लाइफ में भी। तो भाई फटाफट चलते हैं अभी। भाई भैया की दुकान पे आ चुके हैं और ये गए थे गांव, तब से इनका वेट कर रहे हैं। अभी ये आए हैं तो हम निकल रहे हैं। हम लोग फटाफट जाते हैं, कहाँ जाना है? खाटू जाते हुए बाबा के दर्शन करने। भाई सब लोग समझेंगे जयपुर वाले जा रहे हैं। अरे नहीं, जयपुर नहीं जा रहे, यही पास में वही वाले जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फटाफट जाते हैं और वहाँ होके आते हैं। तो भाई आ चुके हैं मंदिर पे और भाई भीड़ देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ। भाई तुम पहली बार आए हो यहाँ पे? भाई भी पहली बार आए हैं। बाकी चारों तरफ भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अब मेरे को पता चले, पहले तो ये लग रहा था कि पता नहीं कैसा मंदिर होगा, बट भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक से, ये देखो भाई भीड़। और आदित्य भैया चल रहे हैं, बाकी अंदर भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये देखो यहाँ पे अंदर मंदिर में जाएंगे, क्योंकि भाई लाइन वगैरह से जाना पड़ रहा है, लाइन से ही दर्शन होंगे, तो भाई टाइम भी लगेगा यहाँ पे थोड़ा। बाकी दर्शन करने आए तो दर्शन करेंगे। बाकी भाई कई दूर दूर से भी लोग आए देखो, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी है, बाकी अंदर चलते हैं। तो भाई इधर प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो आज मेरी आवाज़ भी क्लियर ज़्यादा नहीं आ रही होगी, मैं फिर भी आप लोगों को बोल के और दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जितना भी दिखा सकता हूँ सब। ये देखो भाई यहाँ से मैं प्रसाद ले रहा हूँ, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। तो फटाफट लेते हैं यहाँ प्रसाद में क्या है। सेब है, केला, सेब है, केला है और शायद सोम पापड़ी है। तो भाई लेते हैं प्रसाद फटाफट। प्रसाद लेके आ चुके हैं और अभी लाइन में लग चुके हैं हम लोग, बाकी आगे तक लाइन है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। तो भाई फटाफट दर्शन करते हैं और लाइन से हटना नहीं है अभी, बिल्कुल भी लाइन से हटे तो जगह कवर हो जाएगी। बाकी भाई प्रसाद पकड़े हुए हाथ में, भाई प्रसाद मिले लिए, और फटाफट करते हैं दर्शन, फिर निकलते हैं यहाँ से दर्शन करके। भाई एक बार देखिएगा कितनी लंबी लाइन लग रही है, वहाँ पे अंदर तक जाना है दर्शन करने के लिए। और ये लाइन है अंदर, खाटू श्याम बाबा जी हैं, ये देखिए भाई दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। भाई फटाफट चलते हैं और दर्शन करते हैं अंदर पहुंच के। तो भाई दर्शन कर लिए, अच्छे से दर्शन हो गए, बाकी अब आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि अंदर से वीडियो शूट कर नहीं सकते थे तो यहाँ खड़े होकर वीडियो शूट करेंगे और यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे बाकायदा अच्छे से सारी चीजें। भाई ये है अपने श्याम बाबा, एक बार आप सभी लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा, बिल्कुल पूरे दर्शन हो रहे हैं सभी लोगों को अच्छे से। और भाई इधर एक देवी माँ है और यहाँ पे गणेश जी, सारी लक्ष्मी जी हैं। इधर गणेश जी हैं, ये देखिएगा, और इधर लक्ष्मी जी है। बाकी भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ आके, आप देखिएगा पूरे दर्शन एक बार, इतने बढ़िया दर्शन हो गए अच्छे से। तो भाई दर्शन तो अच्छे से हो गए, आप लोगों को भी करा दिए, बाकी प्रसाद वगैरह भी मिल गया है अंदर से। और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर पे पहुँच के कुछ और सोचा है वो भी करना है, तो घर पे तैयारी हो रही है, तो फटाफट वो भी करते हैं चल के। यहाँ से पहुँच के सीधा वही काम करना है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके और चलते हैं, फिर करेंगे। क्यों भैया? बिल्कुल दादा बताएंगे क्या करना है। बिल्कुल, बोलो हारे के सहारे की जय हो, सभी लोग बोलिएगा और एक बार जयकारा लगा दिएगा, जय श्री श्याम। भाई फटाफट निकलते हैं अभी यहाँ से, दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए। प्रोग्राम क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई अभी मैं और भैया यहाँ पे खा रहे हैं कचौड़ी, और कचौड़ी खा के तब निकले क्योंकि लग रही थी भूख, तो ऐसे ही निकले हुए थे। तो भाई टाइम भी हो चुका है खाने का, तो यहाँ से खा के निकलते हैं फटाफट घर पे। अब कुछ नहीं करना है घर पे, केवल जाके जो काम है वो करेंगे। और इनका देखो इतनी इन्हें इतनी तेज भूख लगी है, इनका स्टार्ट भी हो गया। भाई खाते हैं फटाफट हम भी।
तो भाई घर पे आ चुके हैं वापस। बाकी भैया को छोड़ दिया है घर पे, अभी अब थोड़ी देर में जाएंगे, जो खाना वगैरह की व्यवस्था है अब मैं तो बता ही देता हूँ। खाना बनवाया है बच्चों के लिए और गरीबों के लिए, तो अभी जाएंगे तो खाना लेके जाएंगे उनके लिए। हमने पूड़ी बनवाई है और भैया ने सब्जी बनवा ली है, तो अभी भैया कॉल करेंगे तब निकलेंगे यहाँ से, तब लेके जाएंगे और सभी को बाकायदा अच्छे से खिलाएंगे, जो भी मिलेगा उनको सबको खिलाएंगे। वैसे तो भट्टी वगैरह पे जाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। आज भाई नया साल है तो सबको सो जाए, पता नहीं उनके यहाँ पे क्या बना क्या नहीं बना, तो भाई सबको खिलाना अच्छा लगता है। तो चलते हैं अभी खिलाएंगे चल के। बाकी अभी सर्दी लगी तो थोड़ा हाथ वगैरह सेक लेंगे, क्योंकि ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे मैं, तो हाथों में बहुत सर्दी लगी। फेस पे तो हेलमेट लगाया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी अभी चलते हैं थोड़ी देर में, तब दिखाते हैं आप लोगों को वो भी। तो भाई अभी जा रहे हैं, थोड़ी पूड़ियाँ कम थी अभी काउंट की, तो थोड़ी कम थी तो मम्मी ने अभी और फेंक दी है पूड़ियाँ। ये देखो मम्मी फेंक रही हैं, तो थोड़ी पूड़ियाँ और फेंकवा ली हैं इसमें, इनको भी पैक करते हैं। बाकी तो इधर बैग में पैक करके रख लिए, तो फटाफट लेके निकलते हैं। भैया वेट कर रहे हैं, सब्जी वगैरह सब रेडी है, क्योंकि दो बार कॉल आ चुकी है, तो एक फटाफट लेके पहुँचते हैं और देते चल के वो सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं बट्टे पे और बच्चे वगैरह देखो आना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी खाना वगैरह हम लोग लेके आ चुके हैं, तो खाना लगाते हैं और सभी को देते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। गौरव भाई अपने सभी बच्चों को बड़ों को देते हुए नए साल पे, खुशी देखिए बच्चों के चेहरों पे, गरीबों को भोजन मिल जाए, क्या चाहिए। अच्छा काम किया है, घटते जाती है, बहुत ही अच्छा काम किया है गौरव ने, बहुत खुश हैं सभी लोग। तो भाई अभी मैं दे रहा था और अब आदित्य भैया दे रहे हैं। तो भाई देखिए भीड़, और कई लोग तो आके चले गए, स्टार्टिंग में वीडियो नहीं शूट हुआ था और कई लोग आके चले गए हैं, जिनको दे दिया वो लोग चले गए हैं। बाकी भी भैया दे रहे हैं, देखो बाकी भाई सबके फेस पे इतनी खुशी है ना, सब एक एक करके आ रहे हैं और ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए भाई, ये आदित्य भाई दे रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं। बाकी अभी मैं था, मैं वीडियो शूट करने की वजह से मैं थोड़ा इधर आया हूँ, तो भैया भी अकेले दे रहे हैं पूड़ी भी सब्जी भी, एक हाथ से काम करना पड़ रहा है सब कुछ भैया को। तो भाई मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा शूट करूंगा और आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो भाई सभी को दे दिया है, कम से कम भाई कितने लोग आ गए होंगे, 60 से 70 लोग को ऊपर भी आ गए होंगे। हम लोग खाना लगभग 100 लोगों के हिसाब से लेके आए थे और बाकी मेरे को सबको फिर सिंगल सिंगल देना पड़ा, डबल डबल के हिसाब से 100 लोगों का लाए थे, बट भाई सबको दे दिया। ये सब हैं और कुछ इस साइड थे, वो सब लेके अपना चले गए खा के। बाकी भाई अभी निकलते हैं। और आदित्य भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत ही खुशी है। अब बच्चों से ही पूछते हैं, आगे आइए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बेस्ट लग रहा है ना, बेस्ट लग रहा है भाई, देख रहे हो ना, अपने लोग नहीं बोलते हैं ऐसे, भाई बोल रहा है बेस्ट लग रहा है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना, ठीक है। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो हम दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे हमेशा। तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं घर पे अब, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं घर पे, थोड़ी देर हम लोग रुके हैं, बाकी अभी चलते हैं। तो भाई घर पे आ चुके हैं वापस और तुरंत चाय बन के आ गई, तो अभी पीने जा रहे हैं चाय। ये रही चाय अपनी, तो भाई सर्दी में चाय पीते हैं सुबह से, अब चाय पी रहे हैं दोबारा हम पूरी सर्दी में, मतलब सुबह से पूरी सर्दी में मंदिर गए पहले वहाँ पे, अभी खाना वगैरह देखे सब सर्दी में, आज धूप भी नहीं निकली बिल्कुल भी, तो भाई अब चाय पीते हैं फटाफट और उसके बाद फिर रैक्सी को ले जाने के टाइम हो रहा है, तो रैक्सी को लेके जाएंगे। आज पूरा दिन बाहर ही निकला है। बाकी मैं अभी लेके आया हूँ पेस्ट्री सबके लिए, तो उस पर भी गुस्सा हो रही है मम्मी, मम्मी कह रही तुम्हें रुपए दे दिए जाएँ तो तुम तुरंत दान पात्र में डालोगे, कहीं इस चीज़ को खा लो, कहीं उस चीज़, मतलब दान पात्र वो वाला नहीं मंदिर वाला, खाने पीने वाला, हाँ कि कहीं इस चीज़ को खा लो, कहीं उस चीज़ को खा लो, कहीं ये चीज़ दान कर आओगे, वो चीज़ दान कर आओगे, यही काम है। तो भाई पहले चाय पी लें उसके बाद पेस्ट्री खाएंगे। तो भाई न्यू ईयर पे अब मैं भी खाता हूँ पेस्ट्री, केक वगैरह कट करते नहीं कभी हम लोग, क्योंकि फैमिली है या तो दोस्तों वगैरह के साथ हो तो उसमें तो चल जाता है, बाकी अपने लोग हम लोग घर के लिए यही ले आते हैं, तो ये खा रहे हैं। अब की बार वैसे तो मतलब बहुत कम ही आती है, कुछ ना कुछ मम्मी मीठा बनाती हैं। बाकी आज सुबह इन लोगों ने खा ली थी जलेबी, मैं तो चला गया था वहाँ पे, तो इन लोगों को लेके दे गया था और फिर मैंने बाकी वापस आके थोड़ी सी खा ली थी, रखी हुई थी, और अभी मैं ले आया मार्केट से, ये उधर खाना देने गया था तो खाना दे के उनको सबको खिला के फिर ये ले आया, आके मैंने पहले चाय पी और अभी इसे खाता हूँ। और भाई जिसे खानी है वो आ जाए, खा लिया से और रखी हुई है, देखो तो जिसे भी खानी है वो आ जाए,
खा लिया कि मैं एक्स्ट्रा लेके आया था थोड़ी, तो भाई इसको खाते हैं और फिर रेक्सी को घुमाने जाते हैं, उसको घुमा के आते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, 5 बजने जा रहे हैं, जल्दी घुमा देंगे क्योंकि भाई सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी सर्दी लगेगी, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी घुमा देंगे, बाकी इसे खा लें अभी। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ रेक्सी को घुमाने के लिए, मैं पेस्ट्री खा के कपड़े वगैरह चेंज किए, रेक्सी को नीचे बुला लिया, ये ऊपर थी, इन्हें सर्दी में भी ऊपर जाना होता है, सुबह चिल्लाने लगती हैं, 10 जैसे ही बजते हैं वैसे इन्हें ऊपर जाने के लिए चिल्लाना होता है। तो भाई ये गई थी ऊपर, तो अभी किट्टू से बुलवा लिया, इनको ले आए हैं और फटाफट जाते हैं, अब इसको घुमा के लाते हैं क्योंकि सर्दी हो रही, ज़्यादा देर नहीं घुमाएंगे, 5:30 हो गया, मैंने सोचा था जल्दी घुमा लेंगे, फिर भी 5:30 का टाइम हो गया है, तो भाई सर्दी है तो इस वजह से भी जाते हैं, इनको घुमाते हैं। भाई इस ब्लॉग को इसके साथ यहीं पे करेंगे एंड। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। अभी के लिए बाय।